हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस तरह का मास्क बनाना बताऊंगी। देखिए, ये मार्केट वाली मास्क है और इसका इलास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ये डिस्पोजल भी होता है, एक बार यूज करिए उसके बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो आपको इसी मास्क को बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये प्योर कॉटन का कपड़ा है और हमने ये दो लिए हैं। आप जब भी मास्क बनाएं तो प्योर कॉटन का ही कपड़ा लें और देखें कि थोड़ा पतला ही हो ताकि आप अच्छे से सांस भी ले सकें, नहीं तो बहुत मोटा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए देखिए, इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 7 इंच। तो उसके बाद हमें इसके लिए हमें एक इलास्टिक चाहिए। ये 4 इंच का इलास्टिक है। अगर आपके पास इलास्टिक ना हो तो आप कपड़े का भी सिल के बना सकते हैं। तो कपड़े के मेजरमेंट ये मतलब मेरा समझिए कि अगर प्लास्टिक आप 6 इंच का लगा रहे हो तो कपड़े में थोड़ा सा 7 इंच कर लीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। नहीं तो मेजर कर सकते हैं, बच्चों के लिए है तो 6 इंच में ही हो जाएगा। और उसके बाद अब हमें सबसे पहले इसके इस किनारे को ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और ऐसे डबल फोल्ड करके इसको पहले स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। तो ये इसको उल्टा तरफ रखना है, तो इसको ऐसे करिए। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको किधर सीधा रखना है, किधर उल्टा रखना है। उसके बाद हमें ऊपर से 1 इंच ऊपर छोड़नी है और नीचे भी 1 इंच छोड़ देनी है। और उसके बाद बीच में देखिए 1, 2 और 3 तीन निशान लगा लेंगे। और इसी पे हमें यहाँ पे 1 इंच छोड़कर इसको यहाँ पे जो फर्स्ट निशान लगाए हैं उसके बाद यानी दूसरे इंच पे हमें इस तरह से इसको ऊपर की साइड में आप लेटे दीजिएगा। इस तरह से तो यहाँ पे अगर आप चाहें कि थोड़ा पतला रख सकते हैं तो 3 प्लेटें कर लीजिएगा। अगर चौड़ा रखना चाहते हैं तो 2 ही प्लेटें। और इस तरह से करके हमें दोनों तरफ से पहले स्टिच कर लेनी है। मैं दोनों तरफ से स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये प्लेटें दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लेटें करके 3 दी हैं। आप चाहें तो 2 भी दे सकते हैं। और प्लेटें देने के बाद इसकी चौड़ाई कम से कम आपको 4 इंच तक रखनी ही है। तो ये 4 इंच है। और इसके बाद हमें इस तरह का एक स्क्रिप लेना है, ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच चौड़ा पट्टी लेना है। और लंबाई हमने 5 इंच लिया है क्योंकि 1/2 इंच इधर से मुड़ेगा और 1/2 इंच इधर से, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे मुड़ करके इस पर हम पहले स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने मोड़ करके स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसे हमें पलट लेनी है और पलटने के बाद ये बैक साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो देखिए इस तरह से मोड़ के स्टिच किया था, तो इस तरह से मोड़ेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। और उसके बाद एक बार और इसे फोल्ड करना है और फिर उसके बाद एक बार और इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके हमें यहाँ पर स्टिच करना है। और स्टिच करते समय ही जब यहाँ पर स्टिच करेंगे उसी समय में हमें ये इलास्टिक को भी यहाँ पे लगा देना है। यदि आपके पास इलास्टिक ना हो तो आप कपड़े का भी स्क्रिप्ट बनाइएगा इस तरह से और उसकी लंबाई 6 से 8 इंच रखिएगा। और ये यहाँ पे इस तरह से करते हुए और इसको हमें सेट करके ऐसे स्टिच कर देना है जिस तरह से हमने इधर किया है, बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करना है। तो मैं कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों तरफ से ये स्टिच कर लिया है। अब ये मास्क बिल्कुल रेडी है और फिनिशिंग के साथ रेडी है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये वाला है तो ये बाज़ार का है। देखिए, इसे हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है तो ये बाज़ार वाला है। तो इस ये वॉशेबल तो नहीं होता है और कई बार यूज भी नहीं कर सकते हैं। और इसको आप वॉश करके जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। और ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से है। तो प्लीज़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।